बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम डार्क किचन से आपको लामा चून बनाने का तरीका बताएंगे। इसको अपनी ज़बान में तुर्किश पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये हमने लिया है एक नीम गरम गिलास पानी का। इसको डालते हैं एक बर्तन के अंदर। इसके अंदर डालेंगे ड्राई ईस्ट 1 टीस्पून, अब इसके अंदर डालते हैं 4 कप मैदा, एक टीस्पून नमक डालते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम डालते हैं वेजिटेबल ऑयल। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये नाज़रीन, हमारा डो तैयार हो चुका है। ये इस तरह आप देख ले, ज्यादा ना नरम हो ना सख्त हो, दरमियाना सा होना चाहिए। हमने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगाया है, वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर हम अब आटे को रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रख के इसको तेल से ऐसे कर दें। तो अब इसको ऊपर से ढक्कन दे के तो 1 घंटे के लिए हम इसको गर्म जगह पर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लामा चून की टॉपिंग के लिए हमने 1 kg मटन का कीमा लिया है। इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे मसाले में, 2 अदद टमाटर हमें लिए हैं, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 1 स्वीट पेपर ली है और 2 ग्रीन मिर्चें ली हैं, 6 से 8 दाने हमें लहसुन के लिए हैं। इसमें हम जो मसाले डालेंगे उसके लिए हमें लिया है नमक 2 टीस्पून, सूरख मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हमने लिया है जीरे का और काली मिर्च का 1 टीस्पून लिया है और 4 अदद हमने टेबलस्पून लिए हैं ऑलिव ऑयल के। ये 70 ग्राम हमने लिया है रेड टमाटर पेस्ट। ये हमने फ्रेश पार्सली लिया है 1 हैंडफुल। चॉप मशीन में हम प्याज और ग्रीन मिर्चों को चॉप करते हैं। अब इसमें हम डालते हैं रेड पेपर, टमाटर, और ये पार्सली इसके अंदर डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं ये गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, और साथ कीमा थोड़ा थोड़ा करके साइडों में डालते हैं। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड करते हैं। टमाटो पेस्ट इसके अंदर ऐड करके तो फिर इसको दोबारा मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नाज़रीन, ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह अच्छी तरह सारा मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। तो इस तरह आपने इसका मिक्सर बनाना। नाज़रीन, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। ये लामा चून आप देख रहे हैं कि बहुत नरम और सॉफ्ट हुआ है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमने 9 पेड़े बना लिए हैं। इस तरह इसको बेलना है और बारीक, जैसे आप पिज्जा बनाते हैं पिज्जे से बारीक बनाना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं उस तरह की रोटी बारीक बनानी है आपने। नाज़रीन, ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कीमे का मिक्सचर लगाते हैं।
ये नाज़रीन तंदूर के ऊपर हमने वो रोटी डाल के तो उसके ऊपर इसका मिक्सचर लगाते हैं। नाज़रीन ये हम तंदूर के ऊपर बना रहे हैं, अगर आपके घर में तंदूर हो तो आप तंदूर के ऊपर भी बना सकते हैं और ये सही रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा लहमाचून तैयार हो चुका है, हम इसको निकालते हैं। ये नीचे देख लें, बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये हमारा लहमाचून तैयार हो चुका है, इसे तुर्किश पिज्ज़ा भी बोलते हैं। इसके लिए हमने ये सैलड आप देख रहे हैं बनाया है, तो आप अपनी मर्जी से सैलड इसके ऊपर लगा सकते हैं। और साथ हमने योगर्ट की चटनी बनाई है जिसमें हमने पुदीना और धनिया मिक्स किया है। और ये साथ आप देख रहे हैं फ्रेश पार्सली है और लेमन है, आप इसको इसकी फिलिंग करें। ये वाइट कैबेज है, ये रेड कैबेज है, तो आप डालते हैं टमाटर, फ्रेश टमाटर। ये चिली वाले ओलिव्स हैं, ये डालते हैं दो पीस। प्याज डालेंगे, अगर आपको प्याज पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर ये डालते हैं फ्रेश पार्सली। ये लीजिए, ये हमारी पसंद की ये टैपिंग तैयार है। अब इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा योगर्ट सॉस। आप थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन इसको आप ऐसे इसका रोल बनाना है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही ओरिजिनल तुर्किश लहमाचून तैयार हुआ है। खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने बच्चों को बना के जरूर दें। हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फिर जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।